एक आदमी कहता है कि हज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में हयात है। ये दूसरी मिसाल दे रहे हैं मुख्तसर से। दूसरा भी कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अपनी कब्र मुबारक में हयात है। वो कहता है ये अकीदा है, वो कहता है ये अकीदा है। वो कहता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में है, उनकी कब्र जन्नत का टुकड़ा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बात सुनते हैं सलाम। वो कहता है ऐसे नहीं है, ये जन्नत जिसे तुम कह रहे हो ये बरज़ख का मुकाम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरज़ख में सुन रहे हैं। तीसरा आलम दीन है, वो कहता है यार तुम दोनों ही ठीक कहते हो, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ्स हयात मानते हो ना कि वो ज़िंदा है तो बस काफ़ी है। इस बहस में क्या पढ़ना है कि ये कब्र शरीफ जन्नत में है या बरज़ख का टुकड़ा है? हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह लिटाए गए थे पहले दिन आज भी उसी तरह हैं, वो सलाम को सुनते हैं और खुशनसीब हैं जिनका वो जवाब भी देते होंगे। हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की तफसीलात में मत जाओ। दोनों ठीक, दोनों सही कहते, और एक कह के सुनते ही नहीं। उनकी वफात हो गई, यहाँ पहुँच के कहेंगे कि अब तुम अहलुस्सुन्ना की बात नहीं कर रहे, ये बात तुम मोतज़िला की कर रहे हो, तुम किसी और तरफ को जा रहे हो, ये मसलक और ये चीज़ें मोतज़िला की।